हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक्नो गैजेट्स में। तो यार, बेसिकली इस चैनल में मैं टेक के रिव्यूज़ करूँगा। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है या जो आने वाली है, उसके बारे में आपको बताऊँगा और उसके रिलेटेड ही जो गैजेट्स हैं उसके बारे में रिव्यूज़ करूँगा। सो इस वीडियो में हम वीवो Y21 सीरीज़ का रिव्यू करेंगे। तो गाइज यार, ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी नज़र आते हैं। वीवो ने इस फ़ोन को लॉन्च कर दिया था इंडिया में 7 अप्रैल 2022 में। सो गाइज, बॉक्स में इस फ़ोन का प्राइस बहुत ज़्यादा दिया गया है, लेकिन आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में ये 13.5 या 14 हज़ार में आराम से मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एक बार चेक करके ज़रूर देखना। कई बार ऑनलाइन सेल्स वगैरह लगती रहती हैं, तो एक बार चेक करके ज़रूर देखना। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, अगर आप एक बजट में क्वालिटी वाइज अच्छा फ़ोन देखना चाहते हैं, तो एक बार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए यार, शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग को। हमें सबसे ऊपर वीवो की ब्रांडिंग नज़र आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लासी लुक देती है। उसके बाद हमें इसके बीच कवर केस मिल जाता है, नॉर्मल हमें सभी फ़ोन्स के साथ देखने को मिल जाता है। तो यार, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है। अगर आपका फ़ोन कवर के साथ लगा हुआ है और गिर भी जाता है, तो फ़ोन को कोई नुकसान नहीं होने वाला। और इसी के साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती हैं वीवो के ब्रांडिंग के साथ, जो कि कोई नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़ेंगे, साइड में रखते हैं। और फाइनली हमें हमारा फ़ोन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसे हम साइड पर रख कर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, देखते हैं हमें बॉक्स में आगे क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें मिलता है एक चार्जर, जो कि 18 वॉट का फास्ट चार्जर वीवो की तरफ से दिया गया है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस भी दिए गए हैं। इसकी जो मैट फिनिश है वो भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, और इसका जो मटीरियल है वो भी काफ़ी बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं और हमें एक मिलती है टाइप सी चार्जिंग केबल, जो जिसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मटेरियल इन्होंने वीवो ने बढ़िया यूज़ किया है। उसके बाद एक सिम इंजेक्टर टूल भी हमें देखने को मिलता है, जो नॉर्मली हर एक फ़ोन के साथ हमें मिलता है। इसके अलावा बॉक्स में और कुछ नहीं देखने को मिलता। तो चलिए यार, बॉक्स को करते हैं साइड पर और बढ़ते हैं अपने फ़ोन की ओर। तो चलिए गाइस, फाइनली टाइम आ चुका है, फ़ोन को अनरैप कर देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या नए स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और डिज़ाइन वगैरह कैसे दिए गए हैं। तो यार चलिए, फ़ोन कुछ ऐसा दिखता है, दिखने में पूरा ब्लैक टच दे रहा है। साइड की तरफ से हम देखें, बैक की तरफ से देखें, तो ये काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है, यूनिक लुक दे रहा है। इसका डायमंड ग्लो कलर मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, और इसका कैमरा है, जो कैमरे के सेंसर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहे हैं। और पीछे की तरफ हम पूरी डिटेल लुक आपको दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक दे रहा है। तो चलिएगा, इस फ़ोन को ओपन कर देखते हैं और देखते हैं कितने टाइम में भी ओपन हो जाता है। जितने टाइम में फ़ोन ओपन हो रहा है, उतने टाइम हम फ़ोन की आउटर लुक्स के बारे में बात करते हैं। तो यार, जो इसका कलर है वो इसको पूरी प्रीमियम लुक दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है दिखने में। इसकी जो चॉकलेट बार ऊपर बनाई गई है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि ये पिछले वीवो Y21 की तरह ही सेम डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन अंदर से भी इसको कुछ नया, कुछ ऐड, बहुत कुछ किया गया है, जो कि बढ़िया है इस प्राइस सेगमेंट में। साइड की तरफ हमें एक वॉल्यूम प्लस माइनस करने का बटन मिल जाता है। उसके बाद हमें मिलता है एक पावर ऑन ऑफ करने का बटन, जिसका कि फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। नीचे की बात करें तो हमें स्पीकर्स मिल जाते हैं, साथ ही में टाइप सी चार्जर पोर्ट का जैक मिल जाता है, और साथ ही में हेडफोन माइक्रोफोन का जैक भी मिल जाता है। साइड की तरफ देखें तो हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, पूरी साइड प्लेन है। और आपको ऊपर की साइड सिम की ट्रे देखने को मिलेगी, जो कि वीवो वालों ने एक यूनिक फीचर दिया है। तो यार, दिखने में टोटली फ़ोन कुछ ऐसा नज़र आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। और चलिए गाइस, आउटर लुक्स के बात करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने फ़ोन को ओपन करने की ओर। तो गाइस, फ़ोन हमारा ओपन हो चुका है, और दिखने में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ वर्किंग दे रहा है। तो यार, इसमें जो डिस्प्ले आपको दी गई है वो 6.51 इंच की फुल स्क्रीन दी गई है,
वेट इसका वीवो वालों ने 182 ग्राम्स का दिया। 5000 mAh की बैटरी हमें देखने को मिल जाती है जो कि 18 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। ऊपर की तरफ हमें एक ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है जो कि कौन सा ग्लास यूज किया गया है वो मेंशन नहीं किया गया। इस मॉडल में हमें दो कलर वेरिएंट बेसिकली देखने को मिल जाते हैं, एक है डायमंड ग्लो और दूसरा है मिडनाइट ब्लू। ये जो आप देख रहे हैं ये है डायमंड ग्लो कलर जो कि काफी ज्यादा क्लासी लुक दे रहा है। बात करें पीछे की साइड तो पीछे की साइड हमें एक प्लास्टिक बॉडी दी गई है जो कि ज्यादा प्रोटेक्शन में दी जाती है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है। फुल ब्राइटनेस और लो ब्राइटनेस पे भी फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। फुल ब्राइटनेस पे ये कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकालता है। तो यह डिस्प्ले के मामले में वीवो ने जीत हासिल की है। तो गाइज हमें इस फ़ोन में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिखने को मिल जाता है जो कि ठीक ठाक है। अगर इस प्राइस पॉइंट में हमें 90 हर्ट्ज का दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, स्मूथली वर्किंग कर रहा है फ़ोन, तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और गाइज अगर हम बात करें कि इसमें हार्डवेयर कैसी है, प्रोसेसर कौन सा यूज़ किया गया, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीवो Y21G में MediaTek Helio P35 प्रोसेसर जो कि 12 nm का है वो यूज़ किया गया है, जो कि ठीक ठाक है, बहुत अच्छा वर्क करता है। जो इसका एंटीटू स्कोर है वो 99,000 समथिंग कुछ गूगल में आता है, तो यार ये काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप भी मिल जाती है जो कि है 4GB रैम प्लस 1GB तक की आप रैम को एक्सपेंड कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन इस प्राइस सेगमेंट में आपको वीवो ने दिया है। तो यार ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट भी दिया गया है इस फ़ोन में, जो कि आपको मैं बात कर चुका हूँ पहले। और दोस्तों फाइनली सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रंट टच एंड्रॉयड का 12 वर्जन दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आजकल फ़ोन में 12 वर्जन ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो गाइज एक बार हम अपने फ़ोन को केस में प्रॉपरली फिट कर देखते हैं कि यार ये अच्छी तरह से फिट हो रहा है कि नहीं। तो गाइज देखते हैं, ये अच्छी तरह से फिट हो चुका है जैसा आप देख रहे हैं, और दिखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बल्कि लुक दे रहा है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अगर फ़ोन बाई चांस गिर भी जाता है तो कोई नुकसान नहीं आने वाला इस केस के साथ। और दोस्तों बात करें इसके गेमिंग प्रोसेसर की, गेमिंग खेलने के लिए ये फ़ोन कैसा रहेगा, तो यार गेमिंग, बेसिक गेमिंग तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खेली जा सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं मल्टीटास्किंग काम करना चाहता हूँ तो यार ये फ़ोन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके बजट सेगमेंट के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोफेशनली गेमिंग करना चाहता हूं तो आपको एक अच्छे प्रोसेसर की ओर जाना चाहिए जो कि थोड़े महंगे आते हैं। दोस्तों बात करें इस फ़ोन के कैमरास की तो इसमें आपको दो कैमरास मिलते हैं, ड्यूल कैमरा है सेटअप के साथ ही आता है। ऊपर का कैमरा 13 MP का और दूसरा 2 MP का मिलता है। फ्रंट कैमरा आपको इसमें 8 MP का मिल जाएगा। मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर देखी थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें बहुत सारे आपको सेटिंग्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको वीडियो, पोर्ट्रेट, पैनो और मोर के ऑप्शन में भी काफ़ी कुछ मिलता है। इसकी वीडियो क्वालिटी और फोटोग्राफी की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो गाइज़ ये कुछ फ़ोटोज़ थी जो मैंने खींची थी, इसकी जो क्वालिटी थी और जो पिक्सल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एंड अच्छे आ रहे थे, जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा इस प्राइस सेगमेंट में। कैमरा इसका चाहे 13 MP का है पर ये काम पूरा अच्छा देता है, तो इस बात में वीवो की बहुत जीत हो गई। आपको एक बार फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में भी बता देता हूँ कैसे ये काम करता है और ये कितना टाइम लेता है। तो यार हार्डली गाइज ये 1 से 2 सेकेंड्स का टाइम लेता है स्टार्ट होने में, जैसे ही आप फिंगर रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो फाइनली गाइज टाइम आ चुका है जब हम बात करेंगे कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपके बजट के हिसाब से ये फ़ोन आपके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक आपने देखा है इसीलिए देखा है क्योंकि आपको ये फ़ोन अच्छा लग रहा है। तो यह आपको मैं बताता हूँ कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइज अगर तो आपको वीवो का ब्रांड अच्छा लगता है और इसके जो स्मार्टफोन है वो आपको पसंद है, तो आपको ये 13,500-14,000 में मिलने वाला Y21 सीरीज़ एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए।
क्योंकि इस फ़ोन में आपको वो सभी फीचर्स मिलते हैं जो कि एक नॉर्मल फ़ोन में होने चाहिए। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि इस प्राइस सेगमेंट में आपको एक एक्सपेंडेबल रैम की ऑप्शन दी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप कोई प्रोफेशनली गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई बड़े प्रोसेसर वाला फ़ोन देख सकते हैं। इसके गो थ्रू आप मत होइएगा, लेकिन अगर आप कोई मल्टीटास्किंग वर्क करना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए बजट फ्रेंडली है, सबसे बेस्ट रहेगा, जो कि सारे फीचर्स के साथ आता है और चलने में भी बहुत स्मूथ दिखता है। तो यार सभी स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या हमें ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइज़ ऐसे ही और नए नए गैजेट्स के मैं रिव्यूज़ लाता रहूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।